बड़ी अपडेट इस समय की जम्मू तवी से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दे चलें कि तवी में नहाते वक्त दो युवकों के डूबे जाने की खबर यहाँ पर सामने आई है, और जिसके बाद पुलिस की बात करें तो बहुफोर थाने के SHO आरती ठाकुर यहाँ पर पहुंचे हैं, और वहीं SDPO नरवाल जी की बात करें तो वो भी इस समय मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक की बात करें तो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, और लगातार पुलिस के अहलकार आप देख सकते हैं SDPO नरवाल खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, और अब यहाँ से जो है वो आगे के लिए उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखद पड़ रहता है जब इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। इस समय की बड़ी अपडेट आपको जम्मू तवी से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि दो युवक नहाते वक्त जो है वो यहाँ पर अचानक पानी में जो है वो डूब जाते हैं, और जिसके नतीजे में उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। हालांकि पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंच चुका है, और लगातार कोशिशें यहां पर जारी। ये आप देख सकते हैं SDPO नरवाल और उनकी टीम किस तरह से यहां पर जो है वो, क्योंकि तवी में अगर बात करें तो पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में ढूंढने में कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना यहां पर ज़रूर यहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस की कोशिश के किसी न किसी तरीके से उन दोनों युवाओं को यहां से जो उनकी बॉडीज़ को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। SDRF की टीम में भी मौके पर पहुंची हैं, और लगातार पुलिस इस समय कोशिश करती हुई कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों युवाओं की बॉडीज़ को जो है वो यहां पर ढूंढा निकाला जा सके। लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है वो ऐसा नहीं मिल पाया है कि जिससे इन दोनों युवाओं का पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये दोनों युवा कहाँ के रहने वाले हैं, और फिलहाल जो उनके साथी थे उनके साथ वो जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। माता रानी से आप सब लोग भी ये ज़रूर दुआ करें कि जो भी ये दो युवा इस समय पानी में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई है, इनको जल्द से जल्द इनकी बॉडीज़ को जो है वो निकाला जा सके और परिजनों को सौंपा जा सके। सर पता चला कुछ? एक मिल गई और बोल रहे हैं कि दूसरी भी है, वो जल्दी हम उसको भी ढूंढ रहे हैं। अभी मतलब डेड हो गया? हाँ, वो कम्प्लीटली काफ़ी देर से है। पता चल पाया कहाँ के रहने वाले सर? अभी कुछ नहीं है। वो सर कितना मुश्किल है आपके लिए भी कि एक तवी में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, और कितनी मुश्किलें हो रही हैं आपको तवी में? पानी में बहाव तो है, कम है यहाँ पे, तवी तो उस साइड है, लेकिन ये स्विमिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे यहाँ पे, किस लिए आए थे वो कोई पता नहीं है। बच्चों पे हमेशा ना, खुद बच्चों पे कंट्रोल नहीं करते हैं, घूमने ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए सर ठीक है, अगर उनको तहफ़ीज़ उनको पता है इस टाइम चुनाव में पानी ज़्यादा है तो बच्चों को आवारा मत घूमने दो। सल्यूट है सर, आप हमेशा जब भी कोई इस तरह की मुश्किल बनती है तो आप हमेशा आगे आते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक युवक की डेड बॉडी को यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया, और आगे के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि अभी एक और डेड बॉडी जो है वो अभी भी तवी में यहाँ पर जो है वो नहीं मिल रही है, और उसे ढूंढने की कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी हैं। पुलिस की बात करें तो बागेबहु थाने की SHO आरती ठाकुर मैम यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी टीम आप देख सकते हैं लगातार कोशिशें यही हैं कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों युवकों की डेड बॉडीज को जो है वो बरामद किया जा सके और उनके परिजनों के हवाले जो है वो किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं SDRF की टीमें भी मौके पर पहुंची है, और तवी आप ये तवी है यहाँ पर वो दोनों युवक जो है वो नहा रहे थे, लेकिन एक की डेड बॉडी को जो है वो फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। माता रानी से वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे, आप सब लोग ये ज़रूर दुआ करें कि इन दोनों युवकों की डेड बॉडीज़ को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके, और आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को जो है वो तवी की ओर ना भेजें ताकि इस तरह की वारदात का शिकार जो है वो ना बने। फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और माता रानी से दुआ करें कि इन दोनों युवकों की आत्मा को जो है वो शांति मिले। देखते रहें जम्मू परिवर्तन लाइव। जय हिंद, जय भारत।